मैं सबसे पहले निर्मला सीतारामन जी को यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रिपीट ऑफेंडर नहीं बल्कि रेजोल्यूट क्रुसेडर अगेंस्ट द करप्शन अगेंस्ट द मिसडीड्स एंड मिस गवर्नेंस ऑफ दिस रूलिंग डिस्पेंसेशन। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं जो बात करते हैं सारे बेबुनियाद है कोई इसका आधार नहीं है तो सदन की अंदर चर्चा और जेपीसी में चर्चा करने में आप क्यों इतने घबराहट महसूस कर रहे हैं। आपको इस तरीके की राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं इससे ये जाहिर होते हैं स्पष्ट रूप से कि राहुल गांधी जी सही जगह पकड़े, नहीं तो अदानी कौन है? अदानी एक बिजनेसमैन है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको बचाने के लिए क्यों सारे सत्तारूढ़ पार्टी जमीन पे उतर आए हैं ये मुझे बड़ा हैरान कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ जब इल्जाम लगते थे तो ऐसा क्या बीजेपी की सरकार सब पार्टी से लेकर सारे सरकार खुद जमीन पे बचाव के लिए उतरते थे? तो इसमें तो साबित होते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला होंगे, नहीं तो हिंदुस्तान की वित्त मंत्री उनका क्या काम है किसी इंडस्ट्रियल्स के खिलाफ जो आरोप लगे हुए हैं जो शिकायतें लगे हुए हैं उनका खंडन करना? इसका मतलब ये होते हैं कि मोदी जी की निर्देश पे हिंदुस्तान के वित्त मंत्री आज जमीन पे उतारी है अदानी को बचाने के लिए, उनको क्लीन चिट देने के लिए, उनको